हाय, मैं हूँ अमृता। मूवी की शुरुआत में हमें समुन्दर की गहरी खाई मरीना ट्रेंच दिखाई जाती है और कुछ आर्टिकल से हमें पता चलता है कि मरीना ट्रेंच की गहराइयों में टीना नाम के एक इंडस्ट्री कंपनी ने और भी ज्यादा खुदाई की है रिसर्च पर्पस के लिए। अब हमें दिखाया जाता है कि इस खाई में टियान इंडस्ट्रीज ने अलग अलग फैसिलिटीज बना के रखी है जो कि यहाँ पे ड्रिलिंग का काम करती है, जिनमें से हम केपलर नाम की फैसिलिटी में एक मैकेनिकल इंजीनियर नोरा को देखते हैं। यहाँ पे नोरा के अतीत से पता चलता है कि उसका अब इस दुनिया में कोई भी नहीं था, क्योंकि जिससे भी वो प्यार करती थी वो अब इस दुनिया में नहीं थे, जिसके कारण वो इस दुनिया से दूर यहाँ पे अकेले रहने के लिए आई थी। एक दिन जब नोवा ब्रश कर रही होती है तभी अचानक से फैसिलिटी में तेज भूकंप आ जाता है और देखते ही देखते पूरी फैसिलिटी डिस्ट्रॉय हो जाती है और काफी सारे लोग मारे जाते हैं। इन सब में नोरा को काफी ज्यादा चोट भी आती है और वो आसपास के लोगों को ढूंढने के लिए जाती है। तभी उसे रेड्रिगो नाम का एक शख्स मिलता है जो इस फैसिलिटी में काम करता था, जिसे नोरा को पता चलता है कि ये भूकंप की वजह से आधी फैसिलिटी बर्बाद हो चुकी है। और तभी ये लोग देखते हैं कि कुछ और लोग इनके तरफ भाग कर आ रहे थे, पर इन्हें ना चाहते हुए भी मेन जो डोर रहता है वो बंद करना पड़ता है, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करते तो लोग भी मारे जाते, क्योंकि जो भी लोग आ रहे थे उस दिशा से पानी भी काफी तेजी से आ रहा था। अब नोरा और रेड्रिगो वहां से आगे बढ़ते हैं, जहां पे उन्हें एक और पॉल नाम का आदमी मिलता है, जिसके बाद ये तीनों काफी सारे लाशें और मलबों के बीच में होते हुए उस जगह की तरफ बढ़ते हैं जहाँ पे एस्केप पॉड्स रखे हुए थे, जिसके जरिए ये लोग आसानी से यहाँ से निकल सकते थे। लेकिन वहाँ पहुँच कर इन्हें पता चलता है कि सारे एस्केप पॉड्स भूकंप के चलते खराब हो चुके हैं और यहाँ पे इन्हें फैसिलिटी का कैप्टन लूसियन भी मिलता है। ये लोग वहाँ के कंट्रोल बेस में जाने का सोचते हैं ताकि वहाँ से ये लोग किसी और से संपर्क करके मदद बुला सकते हैं। और फिर ये लोग जब कंट्रोल बेस में पहुँचते हैं तो वहाँ पे इनकी मुलाकात एक बायोलॉजिस्ट और एक इंजीनियर एमिली और स्मिथ से होती है, जो कि इन्हें बताते हैं कि काफी कोशिशों के बावजूद वो अर्थ पर कांटेक्ट करने में कामयाब नहीं हुए हैं, क्योंकि सारे कनेक्शन क्लोज हो गए हैं। अब यहाँ पे इस फैसिलिटी में कुल मिला के 6 लोग जिंदा होते हैं, जिसके बाद लूसियन सभी से कहता है कि अगर उन्हें बचना है तो उन्हें प्रेशराइज सूट पहनना होगा और किसी तरह से नजदीकी फैसिलिटी में जाना होगा जहाँ पे शायद कंडीशन ठीक हो सकती है। ये दूसरी फैसिलिटी दरअसल इस फैसिलिटी से और भी 1 माइल नीचे होती है, यानी और गहराई में, और वहां पहुंचकर इन लोगों को एस्केप पॉड मिल सकता था जिसके जरिए ये लोग यहां से निकल सकते थे। अब सभी लोग सूट पहनकर फ्लेयर गन के साथ निकलते हैं। अब जैसे ही ये लोग नीचे जाने के लिए एलिवेटर का दरवाजा खोलते हैं, वैसे ही वहां का प्रेशर के दबाव के कारण रेड्रिगो का हेलमेट थोड़ा सा फट जाता है और देखते ही देखते प्रेशर के कारण रेड्रिगो का शरीर पूरा ब्लास्ट हो जाता है। ये देखकर एमिली काफी डर जाती है। लूसियन भी काफी स्ट्रेस्ड आउट होता है और कहता है कि उसने अपने पूरी जिंदगी में इतनी भयानक मौत नहीं देखी। अब खैर, इन लोगों को आगे बढ़ना था, इसीलिए सभी एक एक करके नीचे की तरफ जाने लगते हैं, जहाँ पे कुछ दूर पर लूसियन को कुछ सिग्नल मिलते हैं और वो सभी से बताता है कि शायद बाहर एक दूसरा एलिवेटर भी है जिसमें कुछ लोग जिंदा हो सकते हैं, जिन्हें हमें किसी तरह से बचाकर यहाँ पे लाना चाहिए। लेकिन बाहर जाना खतरे से खाली नहीं था, फिर भी पॉल और स्मिथ बाहर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, जिस पर लूसियन कैमरे के जरिए नजर रखने वाला था। और अब जब पॉल और स्मिथ उस दूसरे एलिवेटर के पास पहुंचते हैं तो उन्हें वहां पे कोई भी जिंदा दिखाई नहीं देता, सारे लोग मारे गए थे। लेकिन दोनों को वहां पर एक अजीब सा अंडे जैसी चीज दिखाई देती है। पॉल उसे छूता है और उस अंडे में से एक अजीब सा क्रीचर बाहर आता है और वो पॉल के ऊपर सीधा हमला कर देता है। लेकिन तभी स्मिथ उस क्रीचर को अपनी फ्लेयर गन से मार डालता है, जिसके बाद दोनों उस मरे हुए क्रीचर की लाश को लेकर इस एलिवेटर में आ जाते हैं। यहाँ पे एमिली भी उस क्रीचर को देख के हैरान होती है, लेकिन वो बताती है कि दरअसल टियान इंडस्ट्री रिसर्च के नाम पे इसी क्रीचर को शायद खोज रही थी और इसीलिए उन्होंने यहाँ पे ड्रिलिंग का काम किया था। अब बाकी लोगों से ये बात छुपी हुई थी, इसीलिए सभी लोग हैरान थे। तभी उन्हें एहसास होता है कि उनके एलिवेटर के ऊपर कुछ मंडरा रहा है, जिस पर लूसियन कहता है कि शायद इस क्रीचर को हमने यहाँ पे लाकर बहुत बड़ी गलती की है, क्योंकि ये अभी अभी अंडे से बाहर आया है, यानी कि इसकी माँ उसे लेने के लिए आई है। और तभी हम खिड़की से उस क्रीचर की झलक देख पाते हैं, जिसके बाद वापस से एक भूकंप आता है, जिससे ये लोग सभी मलबे में फंस जाते हैं।
जिसकी वजह से स्मिथ के सूट का ऑक्सीजन सप्लाई करने वाला जो पाइप होता है वही कमजोर पड़ जाता है। इसीलिए पांचों लोग जल्दी से एक सुरंग के जरिए आगे बढ़ते हैं, पर तभी अचानक से एक क्रीचर पॉल को उसके सूट के अंदर से ही खींच लेता है और बुरी तरीके से मार डालता है। अब बचे हुए लोग कैसे तैसे सुरंग के बाहर निकलने वाले होते हैं, लेकिन तभी वो देखते हैं कि स्मिथ की हालत ऑक्सीजन की कमी के कारण काफी खराब हो रही थी। इसलिए एमिली, नोरा और लूसियन उसे लेकर वहाँ से जल्दी निकलने लगते हैं, लेकिन तभी एक क्रीचर स्मिथ पर हमला करके उसे खींच लेता है, जिसे बचाने के लिए लूसियन और नोरा जाते हैं और वो लोग वहाँ से स्मिथ को बचाने में सफल हो जाते हैं। लेकिन फिर वो क्रीचर नोरा को पकड़ लेता है और नोरा को बचाने के लिए लूसियन अपनी जान लगा देता है और वो क्रीचर के हाथों मारा जाता है, जिसके कारण नोरा को भी काफी ज्यादा दुख होता है। अब थोड़े समय के बाद ये लोग कैसे तैसे आगे बढ़ते हैं, जिसके बाद वो एक स्टेशन पर पहुंचते हैं जहां पर उसे लूसियन की कुछ चीजें मिलती हैं, जिससे उसे पता चलता है कि लूसियन इसी स्टेशन पर काम करता था। साथ ही नोरा को अब एमिली और स्मिथ को भी ढूंढना था, जिनसे वो लोग क्रीचर के कारण बिछड़ गए होते हैं। इसीलिए वो सबसे पहले उस स्टेशन से एक दूसरे प्रेशराइज सूट को लेकर पहन लेती है। फिर वो दूसरे फैसिलिटी की तरफ जाने के लिए निकलती है, जहाँ पे उसे रास्ते में एमिली मिलती है, जो कि इन सब से बहुत ही ज्यादा डरी हुई थी, और उसके साथ स्मिथ भी होता है जिसकी हालत अभी भी काफी बुरी होती है, जिसे नोरा और एमिली मिलकर किसी तरह से एक दूसरे स्टेशन में लेकर आते हैं। और फिर वो स्मिथ का हेलमेट तोड़ देते हैं ताकि वो ठीक से सांस ले पाए। लेकिन वहां पे जब वो चारों तरफ देखते हैं तो इन्हें काफी सारे क्रीचर दिखाई देते हैं, जो कि बहुत ज्यादा होते हैं। लेकिन ये सारे क्रीचर अपने अपने नेस्ट में हाइबरनेशन स्टेट में होते हैं, यानी सो रहे थे। इसलिए नोरा और एमिली स्मिथ को लेकर चुपचाप वहां से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन स्मिथ के सूट के आवाज के कारण क्रीचर जग जाते हैं और उसमें का एक क्रीचर नोरा को पकड़कर जिंदा निगल लेता है। लेकिन यहाँ पे नोरा उस क्रीचर के पेट में अपनी फ्लेयर गन चला देती है, जिससे वो क्रीचर मारा जाता है और वो कैसे तैसे बाहर आती है। पर तब तक बाकी सारे क्रीचर जग चुके होते हैं, लेकिन तभी नोरा एमिली और स्मिथ को लेकर एक दूसरे चेंबर में पहुंच जाती है और समय रहते दरवाजे को बंद कर देती है। लेकिन हम देखते हैं वो क्रीचर इनके तरफ आने के बजाय एक दूसरे दिशा में ही चले जाते हैं, और तभी नोरा देखती है कि वहां पर दो एस्केप पॉड्स थे, इसीलिए वो एमिली और स्मिथ को भेजने का तय करती है। लेकिन दोनों भी आर्ग्यू करने लगते हैं, इसलिए नोरा जबरदस्ती इन दोनों को भी पॉड्स में बिठाकर समुद्र के सतह पर भेजने का तय करती है। दरअसल यहाँ पे एमिली और स्मिथ दोनों भी एक दूसरे से प्यार करते थे, और यहाँ पे नोरा खुद अपना प्यार खो चुकी थी, इसीलिए वो नहीं चाहती थी कि एमिली और स्मिथ दोनों एक दूसरे से कभी अलग हो, इसीलिए उन दोनों को वो भेज देती है। और इनके जाने के बाद ही हम देखते हैं नोरा के सामने बहुत ही बड़ा एक जाइगेंटिक क्रीचर आता है, जो कि इतना बड़ा था कि वो अकेले ही पूरी फैसिलिटी को बर्बाद कर सकता था। लेकिन तभी नोरा देखती है ये सारे क्रीचर जो यहाँ से चले गए थे वो दरअसल एमिली और स्मिथ की जो भेजे गए पॉड्स थे उसका पीछा करने लगे हैं, जो कि समुन्द्र के सतह की तरफ बढ़ रहे होते हैं। इसीलिए नोरा फैसला करती है कि इस पूरे फैसिलिटी को सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड पे डाल देगी, और देखते देखते इस फैसिलिटी में एक बॉम्ब एक्टिवेट हो जाता है और पूरी फैसिलिटी बर्बाद हो जाती है, जिसके कारण नोरा तो मारी जाती है लेकिन उसके साथ साथ जो क्रीचर्स पॉड का पीछा कर रहे थे वो सारे मारे जाते हैं। और इसी के साथ ये मूवी खत्म होती है। मूवी के क्रेडिट सीन में हमें बताया जाता है, कुछ आर्टिकल से पता चलता है कि इस हादसे में एमिली और स्मिथ बच गए होते हैं, और उन्होंने टियान इंडस्ट्री को भी ये सारी हकीकत बता दी थी कि नीचे काफी सारे क्रीचर्स हैं। लेकिन टियान इंडस्ट्री इन सारे बातों को खारिज करते हुए इन्हें झूठा साबित करती है, और तो और एमिली और स्मिथ को मीडिया को इंटरव्यू देने से भी मना करती है, शायद वो उन्हें ब्लैकमेल भी कर रहे थे। हालांकि मीडिया और काफी सारे लोगों का मानना होता है कि इन दोनों के साथ कुछ तो अजीब और बुरा हुआ है, लेकिन टियान इंडस्ट्री इस पूरे हादसे को एक एक्सीडेंट बताती है, और तो और ये कंपनी मरीना ट्रेंच में ड्रिलिंग का काम भी जारी रखती है। यानी कि यहाँ पे टियान इंडस्ट्री को उस क्रीचर के बारे में पहले से ही पता था, और इसी के कारण ये कंपनी ये सारी बातें लोगों से छुपा रही होती है। यहाँ पे हमें वो क्रीचर कौन था ये डिटेल में बताया नहीं गया है, लेकिन ऐसे माना जाता है जैसे एलियन की एक मेन एलियन क्वीन होती है, वैसे ही वो क्रीचर एक मेन क्रीचर था,
और बाकी के सारे उसकी ऑर्डर फॉलो करने वाले क्रीचर थे। यहाँ पे टीआर इंडस्ट्री को शायद उस क्रीचर को अपने कब्जे में लाकर अपने फायदे के लिए यूज करना था, इसीलिए इतने गहराई में जाके वो ड्रिलिंग कर रहे थे। टीआर इंडस्ट्री ने शायद उस क्रीचर के उन बच्चों को रिसर्च पर्पस के लिए यूज किया था और इसी कारण से वो क्रीचर इनके फैसिलिटी के नजदीक आकर फैसिलिटी को बर्बाद करना चाहता था और इसी वजह से वो भूकंप आए होंगे। और इसी के साथ ये मूवी खत्म होती है। बाय बाय।